उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। आपको बताते चलें कि इस बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही बैठक में पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने पर भी सहमति बनी है। वहीं इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को जोड़ने पर सहमति बनी है और राज्य के हाई स्कूल के साथ इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद खाली होने पर डेली बेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने से संबंधित प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। वहीं इस दौरान बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी समेत अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी का आज की इस माननीय मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में हार्दिक स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है तीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसके लिए भी एक धन्यवाद संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के बारे में निर्णय हुआ है।